हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के कैसे कमाल के ट्रिक के बारे में बताने लगा हूँ, जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आप अपने फोन की बैटरी को 1 से 2 दिन तक कंटिन्यू यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके फोन की भी बैटरी बहुत ही जल्दी उतर जाती है, आप अपने फोन को चार्ज करते हो तो 2 घंटे से 3 घंटे में या 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन जब उसे यूज करने की बारी आती है, आप से यूज करते हो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसकी भी कुछ रीजन होती है जो कि हमें नहीं पता होता है, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप पबजी खेलते हो तो यार फुल फोन चार्ज कर लेते हो, लेकिन जब पबजी खेलने की बारी आती है, हम 2 गेम ही प्ले करेंगे, 1 से 2 गेम खेलते हैं और हमारे फोन की बैटरी उतर जाती है, फिर से हमें चार्जिंग में लगाना पड़ता है, तो कितना गुस्सा आता है। लेकिन आप जो आज मैं ट्रिक बताने वाला, अगर उस ट्रिक को आप अपने फोन में यूज कर लेते हो ना, उसके बाद आपके फोन की बैटरी 2 दिन तक यूज कर सकते हो, 1 दिन पूरा या 1.5 दिन तक आप पूरा कंटिन्यू यूज कर सकते हो और पबजी बिंदास तरीके से खेल सकते हो या आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो ना अपने फोन को कंटिन्यू यूज करना, तो और तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और एक छोटा सा काम कर देना। तो फिर अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना है, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और इस वीडियो को ना एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा लगे। पावरफुल बैटरी सेटिंग यहाँ पे आपको जो भी कमेंट करना है ना, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी कमेंट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि बैटरी सेटिंग यहाँ पे आपको लिख के सेंड कर देना है, बैटरी सेटिंग। फिर लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना सेंड कर देना और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, यहाँ पे सेंड कर देना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे अपने फोन में, इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे यहाँ पे मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यही है वो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप ग्रीन बैटरी, उस एप्लीकेशन का नाम है और उसका इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे उससे ओपन करोगे तो आपको ओपन करने बाद आपको करना है कि यहाँ पे सिंपली ऑप्टोमाइज का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसका ऑप्टोमाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्टोमाइज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपके फोन की बैटरी की यहाँ पे टाइमिंग बता देता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे ऑप्टोमाइज कर देगा आपके फोन की बैटरी को। फिर यहाँ पे कट कर देना, कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी सेवेड, यानी कि यहाँ पे आपकी क्या होती है, बैटरी सेव करेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बार बार क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्टोमाइज बैटरी को करते रहना है, ताकि आपकी जो बैटरी है ना, और यहाँ पे और भी मोड मिल जाता है, जाके यहाँ से ऑन कर देना। इसे ऑन करने के बाद आप क्या होता है, आप सेफ तरीके से अपने फोन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ऑन कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। फिर यहाँ से बैक चले जाओ, उसे परमिशन दे दिया, फिर अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ मोड मिल जाता है, यहाँ पे जर्नल और लॉन्ग लाइफ स्लिप। तो यहाँ पे आपको क्या देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको मोड मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको कौन सा मोड यूज करना है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको मोड यूज करना है, फुल चार्ज यहाँ पे रिकमेंडेड मीन फुल चार्ज, और यहाँ पे रिकमेंडेड यूज लो पावर। तो यहाँ पे लो पावर इस पे यूज करोगे और या तो यहाँ पे इस पे कर दो, जिस पे भी आपको करना ना आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको और भी यहाँ पे मोड ऐड करना तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई मोड इस, यहाँ पे अगर 30% चार्ज है, 35% आप इसे कितना यूज कर सकते हो वो भी यहाँ पे टाइमिंग बता देता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको बता देगा कि आप कितने टाइम तक यहाँ पे बैटरी को यूज कर सकते हो। और बार बार आपको ऑप्टोमाइज करते रहना है बैटरी को, यहाँ पे ऑप्टोमाइज करते रहोगे ना तो इससे क्या होता है कि आपके फोन की जो बैटरी होती है ऑप्टोमाइज होती रहती है और सेव करके रखते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देना, ऑप्टोमाइज कर देना है बार बार। फिर उसके बाद यहाँ से आपको जो सेटिंग मिल जाती है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको सेटिंग मिल जाती है, इसे तो ऑन करके रखना है। फिर यहाँ से आप आसानी तरीके से आप अपने फोन की बैटरी को क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। ये एक प्रकार की बैटरी सेवर बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे आप बैटरी सेवर बोल सकते हैं इसे। तो ये आपकी फोन की बैटरी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करके रखता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये एप्लीकेशन। तो आप इसे प्ले स्टोर पर देखिए लोगों, जब डाउनलोड करोगे तभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप लॉन्ग लाइफ जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे ऐड मोड पे क्लिक करके यहाँ से आप ऐड मोड भी कर सकते हो इसमें, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग ऑन कर देनी है बस, उसके बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यूज करना है और ऑप्टिमाइज करते रहना अपने फोन की बैटरी को, ताकि आपके फोन की बैटरी ऑप्टिमाइज होते रहे और ज्यादा यहाँ पे बैकग्राउंड में ना चले। तो इससे क्या होगा, आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी, जितना आप यूज करोगे उतने ही आपके फोन की बैटरी खत्म होगी। तो कैसी लगी ये एप्लीकेशन आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।